अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं हैदराबाद। हैदराबाद से आ रहे हैं? ये कौन सा रोड जाता है? इसका कवर है ना? कवर है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ सिमलीगुड़ा। तो अभी मैं उठा हूँ, अभी टाइम देखिए क्या हो रहा है। अभी टाइम हो गया 7:50 हो गया। मुझे 6 बजे निकलना था, नहीं निकल पाया। भाई को देखो, भाई को देखो, भाई को अभी ठंडा लग रहा है। अभी एक्चुअल में बाहर ठंडा लग रहा है। ये सिमलीगुड़ा का जो करापुर है ना, यहाँ पे बहुत ठंडा लगता है, क्यों ना यहाँ पे पहाड़ी एरिया ना भाई, और जंगल वगैरह भी रहे। अभी जिस रोड पे अभी मैं जाऊँगा ना, जंगल बहुत ही है। मतलब जंगल के रोड पे नहीं जाएंगे, दोनों तरफ पेड़ बहुत हैं, तो ठंडा तो लगेगा। तो देखिए मैं कैसा क्या क्या पहन रहा हूँ अंदर। गाइस देखिए, एक ठो पहना हूँ, फिर भी और एक पहनना पड़ेगा अभी। अब ठंडा नहीं लगेगा गाइस, देख रहे ना, विंटर में राइड करना कितना मुश्किल। इसका ऊपर और एक पहनेंगे। गाइस देख लिया ना मैं क्या क्या पहना, ये सब पहनना जरूरी है, अगर नहीं पहनेंगे ठंडा बहुत लगेगा। तो रेडी होते हैं। तो अभी मैं निकलने के लिए तैयारी में हो गया हूँ, ये फिटिंग कर दिया। और एक बात कहना चाहता हूँ, रमेश भाई ने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं कितना लोगों को देखता हूँ कि एक बार गए मतलब दोबारा जाने के लिए इतना हिम्मत नहीं करते हैं। यहीं से उनका घर थे, मतलब यहीं से उनका जो विशाखापट्टनम है 100 किलोमीटर, लेकिन भाई ने मेरे साथ गया। भाई तुमको तो अच्छा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, देखेंगे नेक्स्ट राइड कब क्या करेंगे। ठीक है, लद्दाख करेंगे। ठीक है, आराम से चलो। अरे भाई सो गए क्या? ठीक है भाई, लोग आ रहा हूँ। बाय 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 बाय। ठीक है, यहाँ पे रात को सोया, बहुत अच्छा नींद लगा, होटल से भी ज़्यादा अच्छा लगा, घर जैसा लगा। हर रोड का धुआं करना है हमको, क्यों हिला डाला ना, तब जाके राइड का मजा लगेगा। आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए 820 किलोमीटर हुआ है टोटल मेरा, जो घर से लेके विशाखापट्टनम तक 820 हुआ है। गाइस देखिए खूबसूरत व्यू पॉइंट, खूबसूरत। वाह क्या सीन है। अभी मेरा यहीं से नाश्ता हो गया, मैं चक्कल खा लिया, अभी निकलते हैं। व्यू के साथ साथ रोड भी पॉइंट अच्छा है। यहीं पे थोड़ा रुक गया, थोड़ा सा व्यू पॉइंट देखिए। ये कौन सी टाउन आ गया भाई, ये नवरंगपुर है क्या? क्या पता, बस वाला छोड़ेगा क्या, नहीं तो कट मार के जाऊंगा। भाई रजनीकांत देखो, भाई रजनीकांत को कैसे स्टाइल में रखे हैं पीछे तरफ। ओ भाई देख के खुश हो गया, रे भाई देख के खुश हो गया लग रहा है, भाई तो पलट मार मार के देख रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, यहाँ पुलिस का चेकिंग। भाई किसको रुकवाया, इन लोगों को रुकवाया, ज्यादा का ज्यादा ये ट्रक लोगों को पकड़ते हैं। भाई पोल्यूशन का भेन के भी देखो, मीटर लगवा दिया, कितना सियाना है। जहाँ पे पुलिस का चेकिंग वहाँ पे पुलिस पोल्यूशन का भेन। हाय मैं तो राइडर हूँ, मैं राइडर राइडर लोगों को देख के मैं खुश हो जाता हूँ। मैं तो अपना गाँव ही जा रहा हूँ, कोई मुझे पूछे या ना पूछे, मैं बहुत सारा राइडर लोगों को देखा हूँ, इतना कोई पूछता नहीं है, ताकि मैं राइडर हूँ ना, राइडर राइडर को ही पूछना चाहिए। मैं रुक गया इसलिए आपको। कहाँ जा रहे हैं? मैं भवानीपटना से पहले मोटेर। अभी आप लोग, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं हैदराबाद। हैदराबाद से आ रहे हैं? म्यूजिक। तो अभी भवानीपटना क्या उड़ीसा घूमने के लिए इरादा है कि मेरा घर है किधर? वहाँ मोटेर से ये मुखीगुड़ा।
अच्छा, आप हैदराबाद गए थे? हैदराबाद जॉब है मेरा। हाँ था, आपका जॉब वहीं पे ना। अच्छा, ये निकल गया रे बाबा, बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये निकल जाता है, मेरा भी था, निकल गया, फोन निकल जाता है। वो और एक ना पिटस्टॉप का, और एक कंपनी का आता है, वो सबसे अच्छा, ये 300 रुपये में खरीदा था। मैं भी खरीदा था 300 रुपये का, लूज होके निकल गया। नहीं अभी निकल गया, अभी कैसा निकल गया पता नहीं, लेकिन कभी नहीं निकला था, अभी कैसा निकल गया। ठीक है चलिए मैं निकलता हूँ। बाय। वो भैया हैदराबाद से आ रहे हैं, और मैं कहाँ भाई, मैं तो यहीं पास से आ रहा हूँ, वो तो हैदराबाद से आ रहे हैं भाई। मतलब रुक रुक क्या है अभी वो लोग, वो कहाँ पे मालकानगिरी ना कहाँ पे रुके थे। राइडर राइडर को देखते हुए बहुत खुशी लगता है भाई, मुझे तो ज़्यादा खुशी लगता है। मैं रुक लेता हूँ। ये देखिए सबसे बहुत बड़ा घाटी है, अभी घाटी स्टार्ट हो गया है। ओ भाई ओ, ये सबसे डेंजर है भाई, अगर यहाँ पे थोड़ा स्पीड कंट्रोल नहीं करेंगे ना मुश्किल हो जाएगा। आया पार, ओ माय गॉड, ओवरटेक नहीं मारना है, फिर भी देख रहे हैं। कुछ आ रहा क्या, कुछ आ रहा क्या, ये भगवान नहीं मारना रे बाबा, आप भी मार सकते हैं। क्यों हिला डाला ना, मस्त लग रहा भाई, जैसे लग रहा है रेसिंग करते हुए ट्रैक में उतर गए हैं। बकरीबाज, वाह वाह भाई, देखो घाट एंड, मजा लगा भाई घाट पे चलाते हुए। ये वाला कौन सा रोड जाता है? हा? ये वाला रोड कौन सा जाता है? धर्मगढ़। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जाता है? धर्मगढ़। ये कौन सा रोड जाता है? कौन सा? ये धर्मगढ़। अच्छा, और बलांगी रोड, बलांगी रोड, ये बलांगी रोड यही है क्या? अच्छा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो लड़की लोग को थोड़ा पूछ लिया कि यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा डाउन है, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा बोल दिया कि उस तरफ से रोड है तो चलते हैं उस तरफ। गाइस वो घाट का रोड कैसा था थोड़ा कमेंट करके बोलेंगे, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। भाई आगे देख गिर जाएगा भाई, मेरे बाइक को देख रहे हैं, हम आगे देख बोलने से नहीं होगा, हर लड़के लोग को बाइक पसंद है भाई, और राइड करना भी सबको पसंद है, इसीलिए हमको देख रहे घूर घूर के। ओए देखो 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 भाई, इंडिकेटर भी नहीं दे रहा है, और एक इंडिकेटर तो उसका तो टूट गया है भाई। ओ भाई ये बच्चा दिखता नहीं, इधर उधर दौड़ के भाग जा रहा है। भाई देखो कितना बैल, देखो भाई लग रहा है कि यहाँ पे कोई मार्केट चल रहा है, कुछ मार्केट होने से ऐसा बैल को लेके जाते हैं। लड़की लोग देखो कैसा देख रहे थे भाई, अभी मेरा पेट्रोल टैंक खाली हो गया है, थोड़ा थोड़ा और बाकी है, सोच रहा हूँ डाल देने से बेहतर होगा। तो गाइस अभी मैं ये होटल में थोड़ा रुका था, यहाँ पे खाना खाया, आज का लॉन्च हो गया, लेकिन आज खाना अच्छा था, ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं था, अच्छा लगा। अभी निकल रहे हैं, मेरे हिसाब में तो राइड में ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहिए, और वो होटल में तो वैसे भी इतना ऑयली भी नहीं था, बहुत ही अच्छा था, अच्छा लगा खाना। संबलपुर जाने वाला रास्ता दो ठो दिखा रहा था, और ये वाला और एक ठो है जो गांव का रोड होके जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज मैं जो घर जा रहा हूँ, मैं और एक दिन गया था बलांगीर होके, बरगढ़ होके संबलपुर गया था, और एक सोनपुर होके गया था, तो आज ये ठो रामपुर नाम के एक ठो गांव है, इसी गांव के रोड की तरफ मैं जा रहा हूँ।
इस तरफ भी सीन बहुत है, जंगल ही जंगल है। मजा लग रहा है आज का राइड। दूसरा रूट चॉइस किया ना इसीलिए, हर दिन एक ही रोड दिखाते रहेंगे और एक ही रोड में जाते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए थोड़ा सा मुझे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा, इसीलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया। भाई ये जंगल देखो भाई, पूरा का पूरा टोटली जंगल है भाई। देखो दोनों तरफ पेड़, कितना बड़ा बड़ा पेड़ भी है। ओहो आज मजा आ गया रे। यहीं से मुझे कट मारना पड़ेगा, आगे किस तरफ जाता है पता नहीं, लेकिन मेरा डायग्राम के हिसाब में इस तरफ दिखा रहा है, मैं इस तरफ जाऊंगा। यहीं से दिखा रहा है 92, मेरा घर तो 92 नहीं, और एक प्लेस है जो 92। लड़की सोच रही है थोड़ा पलट के देखूं, देखा और एक बार देखा, देखा फिर और एक बार देखा, भाई इंटरेस्ट हो गया भाई। म्यूजिक, एक बाइकर को देखने के लिए इंटरेस्ट हो गया है। भाई लड़की लोगों को ज्यादा प्यार है बाइकर लोगों को, इसीलिए सब देख रहे थे। गाइस मेरे आगे देख रहे ना, ये जो भैया जा रहे हैं, ये भैया के साथ अभी थोड़ा रुका, चाय पानी पी लिया। एक्चुअल में बात ये कि इनको मैं मिला था भुवनेश्वर में, इनका कावासाकी J900 है, तो भैया उन्हें बोले चलो हमारे घर के तरफ, घर के मतलब अंदर नहीं जाना है, बस बाहर के साइड में थोड़ा सा घर देख लेंगे और यहीं से हमारा घर जाएंगे। गाइस अभी देखिए भैया का घर आया हूँ। भैया बोल रहे थे मेरा बाइक तुम देखे नहीं है, ठीक है मैं तो लाइफ में खरीद पाऊंगा नहीं पाऊंगा कोई बात नहीं, टच तो कर लिया भैया के परमिशन से। अच्छा लग रहा है, इसका कवर है ना। ओह माय गॉड, वाओ। हाँ ये वाला जो नया मॉडल है जो अभी जो निकला है J900, ये 31, ये सुंदरगढ़ का नंबर है ना। लुक तो अच्छा है, पहले वाला लुक ऐसा नहीं था, इसका लुक चेंज किया है। ट्रांसफॉर्मर लुक है ना। अच्छा ट्रांसफॉर्मर मूवी नहीं निकला है। हाँ 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 ट्रांसफॉर्मर मूवी का लुक दिया है। अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छा है। इसमें गार्ड सिर्फ ये एक तो लगा दिया ना, और ज़्यादा लगाने से अच्छा नहीं लगेगा। गाइस अभी तो भैया ने मुझे बड़ा खिला दिया, एक्चुअल में सोनपुर का सबसे फेमस है बड़ा, मुझे बड़ा खिला दिया। तो अभी भैया को बाय बाय, अभी मैं निकल रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:50 हो रहा है, घर पहुँचते पहुँचते मुझे शायद हो जाएगा 7:30 हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं घर के पास पहुंच गया और 200 मीटर है हमारा घर। तो गाइस अभी मैं फ्रेश होके आ गया, अभी टाइम हो रहा है 8:15 हो रहा है अभी, ये देखिए 8:15 हो रहा है, और मैं घर पहुंचा 6:45 को, और मेरा बाइक का टोटल किलोमीटर हुआ घर से संबलपुर से, जो भाईजाक गया भाईजाक से घूम फिर के घुमा फिरा के जब रात को जो आया था सिमलीगुड़ा, कल रात को सिमलीगुड़ा में रुका और आज सुबह सिमलीगुड़ा से निकला घर तक, तो टोटल कंप्लीट हो गया 1,269। और थोड़ा सा थकान भी लग रहा है, लेकिन ठंडा बहुत लग रहा है भाई। अच्छा कि जल्दी पहुंच गया, कम से कम 6:45 को पहुंच गया। लेकिन आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बोलेंगे, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।